शिक्षक स्कूलों में भर्ती के लिए अब तक अपना पंजीयन और सत्यापन नहीं करवा पाए हैं, अब वो 21 जून तक पंजीयन और सत्यापन करवा सकेंगे। पहले पंजीयन कराने वाले शिक्षकों के आवेदन को कोई गलती अगर उनकी रह गई है उसमें, तो फिर उसे भी सही किया जा सकेगा। अतिथि शिक्षकों की भर्ती ऑनलाइन हो रही है। पंजीयन कराने की आज आखिरी तारीख थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 21 जून कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त ने तारीख बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं, तो एक अच्छी खबर है अतिथि शिक्षकों को लेकर के। आपको ये बता दें कि अतिथि शिक्षक स्कूलों में भर्ती के लिए अब तक पंजीयन और सत्यापन जो नहीं करा पाए हैं, अब वो 21 जून तक पंजीयन और सत्यापन करा सकेंगे। प्रमोद हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, जो अभी तक पंजीयन नहीं करा पाए थे, लेकिन अब 21 जून तक के लिए तारीख बढ़ा दी गई है। प्रमोद तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, अतिथि शिक्षकों के लिए ये अच्छी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जो भी अतिथि शिक्षक अपना रजिस्ट्रेशन और सत्यापन नहीं करवा पाए थे, वो अब 21 जून तक करवा सकते हैं, क्योंकि तारीख बढ़ा दी गई है। पहले अगर आपने पंजीयन कराया लेकिन उसमें कोई गलती रह गई है, तो फिर उसे भी सही किया जा सकता है। प्रमोद, हमारी आवाज आपको मिल रही है? जी प्रमोद, अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है कि वो अब पंजीयन और जो सत्यापन है वो 21 जून तक करा सकते हैं। इसके साथ ही कोई गलती अगर उनके आवेदन में रह गई है, तो उसे भी ठीक किया जा सकता है। पूरी जानकारी बताएं। देखिए, बड़ा अपडेट यही है, प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और ये शिक्षक व्यवस्था अतिथि शिक्षक संभालते हैं। एक बड़ी संख्या है अतिथि शिक्षकों की जो पिछले कई सालों से काम कर रही है और हर साल आवेदन करना होता है। ये प्रक्रिया ऑनलाइन है और जो नए भी आवेदन कर रहे हैं उन्हें भी ऑनलाइन करना होगा। देखिए, आज तक ये आखिरी तारीख थी अतिथि शिक्षक जो ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन और इसके अलावा सत्यापन की, लेकिन अब ये तारीख बढ़ा दी गई है और अब आखिरी तारीख जो लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त हैं अभय वर्मा, उन्होंने 21/6/2022 कर दिया, यानी 21 तारीख तक जो अतिथि शिक्षक का पद ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और पंजीयन भी ऑनलाइन होगा। देखिए, आज आखिरी दिन था लेकिन अब ये तारीख बढ़ा दी गई है। इसके पीछे वजह ये बताई गई है कि जितनी बड़ी संख्या में स्कूलों में अतिथि शिक्षक की दरकार है, दरअसल इतने आवेदन नहीं आए, इसीलिए लोक शिक्षण संचालनालय ने यह तारीख बढ़ाने का फैसला लिया है। दरअसल पिछले कई बार से अतिथि शिक्षक देखिए लामबंद हुए हैं, चाहे नियमितीकरण की मांग को लेकर या फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा में वो अपने लिए स्पेशल कोटे की मांग करते रहे, लेकिन देखिए शिक्षक भर्ती जो स्थान है जो रिक्त थे वो पूरे नहीं भरे होने के चलते एक बड़ी तादाद है, प्रदेश भर में लगभग 30,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों की दरकार होती है, लेकिन इस बार आवेदन कम आए हैं और इन्हीं आवेदनों को कम को देखते हुए तारीख बढ़ाई गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जितनी दरकार है उतने आवेदन अतिथि शिक्षकों के आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर लोक शिक्षण यानी स्कूल शिक्षा विभाग को कुछ और रास्ता अपनाना पड़ेगा। लेकिन तारीख बढ़ा दी गई है, 21/6/2022 कर दी गई है। अब देखने वाली बात यही होगी कि कितने अतिथि शिक्षक आते हैं और जो कमी है स्कूलों में, क्या वो अतिथि शिक्षक इतने ऑनलाइन करेंगे कि वो कमी भर सकेगी। जी बिल्कुल प्रमोद, आप रहिए हमारे साथ और अपडेट्स आपसे लेंगे।